लास्ट टाइम मुझे याद आ गया, आपने कुछ ये पूछा था ना क्वेश्चन, है कि जब हम गेन बढ़ाते हैं तो सिस्टम क्यों फास्ट स्लो होता है, कुछ चीजें रह गई थी। जैसे एक हमने लिया था ना इंटीग्रेटर और टाइम कॉन्स्टेंट, है ना, ये दो ब्लॉक हमने देखे थे ना, इसका अगर आप फीडबैक लेते हो ना, बेसिकली इसका आप फीडबैक अगर लोगे तो इससे क्या आएगा ट्रांसफर फंक्शन, ये आएगा फीडबैक में, इसका इसका क्या आएगा फीडबैक में, इसमें ये आएगा, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/s/k+1, है ना, इसमें लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये है कि ना इसको आप कंपेयर अगर करोगे इसके साथ, क्योंकि सिस्टम आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे जो टाउ है, टाउ इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू के, है ना, तो अगर आपका के इंक्रीज हो रहा है तो आपका टाइम कॉन्स्टेंट कम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम फास्ट हो गया या स्लो हो गया डिपेंडिंग अपॉन के फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम। इसमें मैंने जब तक फीडबैक लेंगे ट्रांसफर फंक्शन ये बनेगी, और के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप के को बढ़ा रहे हो तो टाइम कॉन्स्टेंट कम हो जाएगा, सिस्टम बिकम्स फास्ट। अब ये वाला ले लो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इसमें भी इसको भी कंपेयर करो तो ये टाउ क्या आएगा, इसमें टाउ इज 1/1+k, है ना, 1+s टाउ होता है ना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे अगर आप के बढ़ा हो गए तो आपका टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा, यानी कि सिस्टम बिकम्स फास्टर। सेकेंड ऑर्डर में क्या आ जाता हमने t+1, इसका क्लोज फॉर्म कैसा आएगा, मतलब फीडबैक के साथ कैसा आएगा, इसका फीडबैक आएगा s²t+s+k, इसमें भी आप कर सकते हो k/t स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाने के लिए s/t+k/t, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ s² हम 1 लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे भी 2 zeta ω n आपका आएगा 1/t और ω n आएगा √k/t, तो जीटा क्या आएगा 1/2√k/t(t), है ना। तो यहाँ पे भी अगर k बढ़ेगा तो जीटा कम होगा, है ना, तो अगर आप k को इंक्रीज कर रहे हो तो सिस्टम बिकम्स फास्ट। जो अपने टेबल्स बनाए वही मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम क्यों फास्ट या स्लो हो जाता है। अब आते हैं आज के एक्सपेरिमेंट में, मैनुअल में आपको दे देता हूं आज ही, नहीं हाँ लिखो आप ऑब्जेक्टिव, टुडेज ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी the performance test of controllers to study the performance of various types of controllers used to control the temperature of an oven, ठीक है, आपको हम एक सिस्टम देंगे, जैसे थर्मल सिस्टम ओवन कहते हैं, ठीक है, तो इसके इसका कुछ डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स यूज करके इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, दैट्स द एम, ठीक है। तो बिफोर यू कंट्रोल अ प्लांट यू शुड नो द प्लांट, है ना, कंट्रोल करने से पहले आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ऑन होना चाहिए ताकि आप खुद कंट्रोल कर सको। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा टू फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द ओवन और टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ओवन। पहले एक्सपेरिमेंट में ओवन का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे न्यूमेरिकली, और फिर सेकंड स्टेप में इस पर हम कंट्रोल करेंगे, जो कि हमारा फाइनल एम क्या होता है, हम क्यों ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, टू कंट्रोल इट, है ना, जो भी डिफिशियंसीज होती है प्लांट में
उसको एक कंपनसेशन के थ्रू उसको प्रॉपरली मैनिपुलेट कर सके, दैट्स द एम। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। जो सिस्टम है जैसे थर्मल सिस्टम है ना, क्योंकि ओवन क्या है बेसिकली, इसमें एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं और ओवन जो है हीट हो जाता है, तो आपका डिजायर्ड आउटपुट जो होगा दैट विल बी टेम्परेचर, है ना। तो आप चाहते हो एक रेफरेंस टेम्परेचर पे आपका ओवन चले, लेकिन वो नहीं चलेगा, वो अपने जो डायनेमिक्स है उसके हिसाब से चलेगा। देन यू विल यूज सम कंट्रोलर्स टू मेक योर टेम्परेचर इक्वल टू योर रेफरेंस टेम्परेचर। ये होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, इसको अगर हमें पहले मॉडल करना हो, यूजुअली ओवन में जो या थर्मल सिस्टम में जो है हम मॉडलिंग करते हैं यूजिंग थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कैपेसिटेंस। आपने जो है पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे जो है थर्मल की बैलेंस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो भी ट्रांसफर होता है ना फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यूजुअली तीन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज कंडक्शन, अनदर इज कन्वेक्शन, और एक पढ़ा होगा अपने रेडिएशन, यानी बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे अज्यूम कि रेडिएशन नेग्लिजिबल है, सो द होल हीट ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांसफर फंक्शन में डिराइव करनी है किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने से पहले। वायर दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो, दिस इज इन जूल्स पर सेकेंड, डेल्टा टी जो है दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, इन डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी, दिस इक्वेशन गवर्न द हीट फ्लो ऑफ एन ओवन। इसमें क्या है, दिस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो इन जूल्स पर सेकंड, जो कि होगा हमें आपका ऐसा इनपुट आउटपुट में टेम्परेचर चेंज आएगी, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज अ चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यू, पर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये एक जो मैंने इक्वेशन लिखी, दिस इज और थर्मल मॉडल। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट देखना है, यू कैन एनालॉजी के लिए, योर थीटा इज एनालॉजस टू इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि थीटा क्या मैंने दिखाया यहाँ पे, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट जो करंट होती है दैट्स रेट ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज। डेल्टा टी जो है दैट्स एनालॉजस टू वोल्टेज, है ना। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, देयर चेंज इन पोटेंशियल। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज वन अपॉन आर। इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ये मैंने इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ दिखाया, दिस इज एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर थर्मल मॉडल। रेट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू सम चेंज इन टेम्परेचर एंड द रिलेशन इज गिवन बाय दिस कॉन्स्टेंट अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आर है, जैसे मैंने लिखा दैट्स इक्वल टू वन बाय अल्फा, दैट्स थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा एक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बिहेव करता है, दिस वन बाय अल्फा विल बिहेव द सेम फॉर थर्मल सिस्टम्स। अच्छा, इसके अलावा आई कैन राइट वन मोर थिंग, दिस इज द वी आर रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट वी आर रिलेशनशिप। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मॉडल द हीट फ्लो यूजिंग थर्मल कैपेसिटेंस, which is equivalent to electrical capacitance, like this, theta equal to C and derivative of delta T by delta T. Rate of heat flow, that's equal to C times the rate of change of this temperature, where C is what? This is thermal capacitance. ये आप equation लिखते हो electrical circuits में, I is equal to C dV by dt. वही इक्वेशन है, बट यहाँ पे मेरे पैरामीटर है थर्मल पैरामीटर से, सो सी इज योर थर्मल कैपेसिटेंस, ठीक है, थर्मल कैपेसिटेंस है।
अच्छा सो जो आपको ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट करनी है दैट विल बी मॉडल्ड यूजिंग दिस थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कैपेसिटेंस फॉर दिस ओवन. अच्छा इसका हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन क्योंकि दिस इज इन टाइम इसका प्लस ले लो बोथ साइड्स दिस इक्वेशन इक्वेशन वन एंड इसको वन ले लो एक लाप्लास ऑफ बोथ साइड्स क्या आएगा लाप्लास ऑफ इक्वेशन वन अगर आप लोगे दिस विल बी थीटा एस दिस इज सी दिस बिकम्स व्हाट एस टाइम्स टी ऑफ एस है ना डेरिवेटिव का एस टाइम्स टी ऑफ एस आएगा. अच्छा इसमें मैंने रेजिस्टेंस का पार्ट नहीं लिखा है दिस इक्वेशन जस्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द थर्मल कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस यहाँ पर नेग्लेक्टेड है लेकिन रेजिस्टेंस को भी लिया जा सकता है. रेजिस्टेंस की मैंने इक्वेशन लिखी थी दैट वाज दिस वन अपॉन अल्फा टाइम्स क्या लिखा था डेल्टा टी है ना दिस वॉज ये रेजिस्टेंस को मॉडल करने के लिए था एंड दिस वॉज टू मॉडल कैपेसिटेंस सो यू कैन से योर नेट हीट फ्लो कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वन एंड टू क्योंकि यहाँ भी थीटा टर्म है वहां भी थीटा टर्म है सो यू कैन एड दो टर्म्स. तो इसमें पहले मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ यू कैन राइट थीटा इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म सी डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी दिस इज दिस टर्म एंड यू कैन राइट दैट टर्म अल्फा के लिए मैं वन बाय आर लिख रहा हूँ वन बाय आर डेल्टा टी ठीक है. So here I'm assuming कि जो मेरा heat flow है that is because of two components involved, the thermal resistance का effect and thermal capacitance का effect. अब आप इस पूरे equation का Laplace ले लो. So taking Laplace of this equation, you can have theta s equal to c s t s plus 1 by r t s. ठीक है. And what I can have is now the common in it NTS S C R plus 1 TS R is yahan le lete hain R yahan pe le lete hain theek hai to yahan pe aap TS by R nikalo transfer function which is the required transfer function for this model TS upon RS R 1 plus SCR. This is a transfer function for the oven. This is not R. This is theta. So your output is what? Change in the temperature. And your input is the rate of heat flow in the oven. And this is usually transfer function. Usually this is with some approximations. Usually practical systems mein kya hoga? R and C won't be constants. They will vary with time and vary with space. क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा इट विल वेरी विद स्पेस क्योंकि यहाँ पर मैंने लम्प्ड मॉडल अप्रोक्सिमेशन लिए आई अज्यूम कि मेरा रेजिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करता है या इसको मैंने इक्विवेलेंट आर से रिप्रेजेंट किया है सिमिलरली सी भी एक लम्प्ड अप्रोक्सिमेशन है ठीक है. ये अप्रोक्सिमेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक सिंप्लीफाइड ट्रांसफर फंक्शन आए जो कि वेरी वेल अप्रोक्सिमेट करे आउटपुट रेस्पॉन्स को अदरवाइज द ट्रांसफर फंक्शन इन्वॉल्व विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ठीक है. तो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन. अच्छा इसका ऑर्डर क्या है टाइप क्या है ऑर्डर क्या है पहले फर्स्ट ऑर्डर बन गया ना तो दिस इज ऑर्डर वन टाइप जीरो ऑर्डर वन टाइप जीरो ट्रांसफर फंक्शन है. अच्छा इस ट्रांसफर फंक्शन के बारे में आपको सब कुछ पता है हम पढ़ चुके हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद टाइप जीरो आपने इसका लास्ट टाइम इसके रिस्पॉन्स ड्रॉ किए कैलकुलेट ड्रॉ किया. सो इफ यू नो दिस आर एंड सी You can say everything about this equation. ठीक है ये तो होगी ट्रांसफर फंक्शन. अच्छा जो मैंने ये इक्वेशन लिखी दिस वन इसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. इक्वेशन का डायग्राम क्या बनेगा दिस इक्वेशन दिस इज दिस थीटा इक्वल टू सम ऑफ दीज टू टर्म्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैंने कहा था आपको दिस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड दिस इज करंट तो दिस करंट इज सम ऑफ दीज टू करंट है ना तो आप ऐसे बना सकते हो आर सी
I and V. यही बनेगा ना इसका इक्विवेलेंट मॉडल, इलेक्ट्रिकल मॉडल. एक करंट गोज इनटू द टू ब्रांच और वही इक्वेशन बताती है ना. तो यह तो ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. इसी का हमें कंट्रोल करना है. ठीक है, कंट्रोल में क्या करेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल दिस. लेट्स से यू नो आर एंड सी, ठीक है, नोन हो गए. हाउ विल यू कंट्रोल दिस ट्रांसफर फंक्शन, कैसे करेंगे इसको कंट्रोल. हाँ, क्या करेंगे, फीडबैक. किसका, किसका फीडबैक लोगे. यस यस, यू विल डू समथिंग लाइक दिस. यहां पे there will be T reference, जो कि desired temperature होगा. ठीक है, this will be a controller which will account for the deficiencies in this plant. ठीक है, यहाँ पे जो है I will write error, error signal, है ना, this is negative feedback. ठीक है, तो जो temperature sense होगा वो एक रेफरेंस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द एरर सिग्नल एंड द कंट्रोल विल प्रोड्यूस एन सिग्नल. लेट्स से दैट सिग्नल इज एम. ठीक है, तो इस कंट्रोलर की ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगी, एम बाई ई एंड इसकी ट्रांसफर फंक्शन इज टी बाई एम. यहाँ पे जो है एम इज द थीटा, है ना. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये टर्म्स ना लिखूं, जस्ट आर बाई वन प्लस एस सी आर विच इज योर ट्रांसफर फंक्शन. So this is how you will control the temperature. अच्छा, यहाँ पे फीडबैक कैसे काम करता है. अगर आपका रेफरेंस टेम्परेचर लेट्स सपोज इज 50 एंड आपका एक्चुअल टेम्परेचर जो कि अभी प्लांट का है लेट्स सपोज दैट इज 30, सो व्हाट विल बी द एरर. एरर विल बी 20 एंड दैट पॉजिटिव 20 विल बी फेड इनटू द कंट्रोलर. अब डिपेंड करता है कि कंट्रोलर की ट्रांसफर फंक्शन कैसी है और ये 20 के साथ कैसे एक्ट करेगा. Let's suppose this controller is just a gain of 1. Let's suppose, ठीक है. So what will go inside? This 20. So क्या होगा, 20 will be added to this 30. This will make it 50. जो कि आपका desired होना चाहिए. अब दूसरा scenario ले लो, आपका reference is 50, but your temperature is 70. ठीक है, तो error क्या बनेगा? Minus 20. And if it's a gain one, this will be fed inside. Or if I subtract 20, okay, it will be 50. Aayega. This is how a negative feedback works. If depending upon the error positive aa raha hai ki negative aa raha hai, wo chi subtract ho rahi hai. Aur ye to kafi simplistic maine ek controller banaya. This is basically a gain of 1. So it's basically isko kehte hain proportional controller. This is proportional to error. What jo bhi error aa raha hai, wahi introduce ho raha hai to the plant. Theek hai. Ab instead of 1, I can have some k. ठीक है, तो जो आउटपुट जाएगा दैट विल बी के टाइम्स ई द एरर. ठीक है, सो यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोलर्स टू एक्ट अपॉन दिस एरर. जितने भी फीडबैक कंट्रोलर्स के हम बनाते हैं कंट्रोलर, दे ऑल एक्ट ऑन दिस एरर. तो पहले आपके पास एरर सिग्नल होनी चाहिए, देन हाउ यू मैनिपुलेट दैट एरर इनटू द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोलर. ठीक है, अगर समटाइम्स वी वॉन्ट के ई अंदर ना जाए, हाफ ऑफ ई शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, सो यू विल यूज proportional control of half. ठीक है, this is how its interpretation कहते हैं. Sometimes you want the rate of change of error जाए, so what will you use here? You will use d by dt block, या derivative. So derivative of error will be fed inside. अगर चाहते हो कि error का जब slope बढ़ जाएगा तो वो reduce होना चाहिए instead of the magnitude of the error, then you will use a derivative block. This is known as derivative. Derivative controller. Similarly, you can maybe have a condition जहाँ पे आप चाहते हो कि error का integration is of importance. तो वहाँ पे जो होगा controller that will be known as integral or integration block. वहाँ पे क्या होगा? जो small deviation in error होगी, वो with time zero होगा. तो ये depend करता है कि आपकी application क्या है, आप क्या चीज control करना चाहते हो. तो ये भी हो सकता है कि you can use more than one controller, not necessarily एक ही controller use करो. You can use
मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं, जो कि एरर है ना, एरर सिग्नल है. सो व्हाट यू कैन डू, इस एरर को आप फीड कर सकते हो यूजिंग वेरियस कंट्रोलर. सपोज दिस इज योर पी, दिस इज योर आई, दिस इज योर डी, एंड सपोज दिस इज अनदर कंट्रोलर व्हिच इज नोन एज रिले कंट्रोल. ठीक है, ये मैंने डिफरेंट कंट्रोलर्स बनाए इन पैरेलल, सब में फीड हो रहा है एरर. ठीक है, मैं बताता हूँ व्हाट इज आर. बट बिफोर दैट आप समझो कि मैंने क्या काम किया, मैंने एरर को फीड किया यूजिंग डिफरेंट पाथ. तो इसका जो आउटपुट आएगा, दिस इज जस्ट अ गेन, प्रोपोर्शनल सिस्टम में भी कहा दिस जस्ट अ गेन, और इसका जो गेन है दैट इज डोंट बी केपी, गेन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल. दिस इज इंटीग्रल ब्लॉक, दिस विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरर, दिस विल डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर. जो ये आर है इसको कहते हैं रिले कंट्रोल, गेम करने वाले. रिले कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली ऑन ऑफ स्विचिंग करके आपका एरर को कम करता है. वो कैसे होगा उसकी मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ. लेकिन जो भी यहाँ से ऑपरेशन होगा फ्रॉम ईच ब्लॉक्स, वो आगे फीड होगा, है ना. एंड जो आगे है इट विल बी जस्ट सम ऑफ ऑल दीज, लेट्स सपोज दिस एम वन आउटपुट, एम टू, एम थ्री, एम फोर. तो जो आपका कंट्रोलर का फाइनल एम होगा, जो कि फीड हो जाएगा टू द प्लांट, दैट विल बी सम ऑफ ऑल एम आई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलली ऐड हो रहा है ना, चारों का इफेक्ट आएगा इन द एरर. अब जो पीआईडी आपने कभी पढ़ा है पहले, पीआईडी कंट्रोलर के बारे में कभी कुछ पढ़ा है, लेकिन इंडिविजुअली तो पता होगा ना, गेन, इंटीग्रेशन एंड सिंपल डिफरेंशिएशन. तो इसकी इक्वेशन ऐसे आती है, इफ आई एड जस्ट दीज थ्री, पी आई एंड डी, दिस अ सेपरेट कंट्रोलर. इसकी मैं अगर बात करूं पीआईडी की, विच इन शॉर्ट ऑन पीआईडी, इसका जो आउटपुट है दैट्स एम, दिस इज केपी टाइम्स एरर विच कम्स फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक का आएगा के आई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एरर, एंड थर्ड का आएगा के डी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एरर. मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने बोले बाकी डिटेल्स हैं. तो तीन टर्म्स की वजह से तीन सम्स आएंगे. ठीक है, ये क्या काम करता है, ये सिंपली आपको जो एरर है उसका एक गेन के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है. व्हाट डज आई डज, आई जो है दिस इंटीग्रेट्स द एरर ओवर टाइम, और जो भी वैल्यू आएगा उसको वापस से गेन से मल्टीप्लाई करता है, दैट गेन इज के आई, गेन ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर. और डेरिवेटिव क्या काम करता है, सिंपली इसका डेरिवेटिव लेता है एंड मल्टीप्लाइड विद अ गेन विच इज के डी डेरिवेटिव गेन, एंड इनका सम जाता है दैट्स योर एम, एम टी सिग्नल. इसको लाप्लास में आप लिख सकते हो के पी प्लस एस के डी प्लस के आई बाय एफ, दैट्स योर एम ऑफ एस टाइम्स ई ऑफ एस. दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर, एम एस बाई ई एफ एस इज इक्वल टू दिस. इफ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन मैटलैब, जैसे मैटलैब आपने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, इन मैटलैब यू कैन राइट दिस कमांड पी आई डी. इसमें आपको गेन्स प्रोवाइड करना है, के डी के पी प्लस के पी के डी एंड के आई, तो ये आपको ये गेन्स बता देगा. ठीक है, जस्ट द कमांड पी आई डी फॉर मैटलैब. तो इस पे पूरा लेक्चर जा सकता है फॉर जस्ट पी आई डी कंट्रोलर. लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे क्या सीखना है कि ये जो P एंड D टर्म है, दीज आर फॉर ट्रांजेंट ऑपरेशन, ये आपके ट्रांजेंट्स को इंपो करते हैं, एंड योर इंटीग्रल टर्म, सॉरी दिस इज I, दिस इज योर D टर्म. अच्छा, P तो आपने पढ़ा ना लास्ट टाइम, P जब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा हमने K का इफेक्ट देखा ना हमने, दैट्स योर P कंट्रोलर. तो जो हम लास्ट एग्जाम में कर रहे थे दैट वाज जस्ट इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, है ना, सिंपली गेन से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो गेन का हमने कल डायरी करके देखा था लास्ट लैब में. तो इसे क्या देखा आपने, इससे आपकी ट्रांजेंट्स इंप्रूव हो गए थे, सिस्टम फास्ट हो गया था इसके इंक्रीज करने से, ऑसिलेशन कम हो गई थी सेकंड ऑर्डर सिस्टम में. तो ये बेसिकली इंप्रूव करता है आपका ट्रांजेंट रिस्पॉन्स. सिमिलरली इज द डी इफेक्ट,
जो डेरिवेटिव होता है वो क्या काम करता है, वो आपका डैम्पिंग इम्प्रूव करता है, यानी सिस्टम को डैम्प करता है। अगर आपका इसका एक डिसएडवांटेज है, नो डाउट आपका सिस्टम फास्टर हो जाता है यूजिंग पी, बट आपका ऑसिलेशन बढ़ सकती है। मानो आपका सिस्टम वॉज लाइक दिस, रेस्पॉन्स कुछ ऐसा था, सेकंड ऑर्डर था, ठीक है। आपने क्या काम किया, अपने पी का गेन बढ़ाया, इंक्रीजिंग द गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, एक नॉब है, ठीक है, दीज आर सम नॉब्स, यू आर इंक्रीजिंग द गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या काम करेगा, इट विल मेक योर सिस्टम फास्टर। फास्टर का मतलब जितने भी टाइम है ना राइट टाइम तक नहीं चाहे वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, आपका रेस्पॉन्स ऐसा आएगा, ठीक है। सिस्टम बिकम्स फास्टर, आपके सारे टाइम्स कम होते हैं लेकिन आपका ओवरशूट बढ़ेगा, ठीक है, ओवरशूट विल राइज, सिस्टम विल ओवरशूट। तो उस ओवरशूट को कम करने के लिए वी यूज डेरिवेटिव। इसका सिर्फ काम है व्हेन इट ओनली चेक्स कि पीक जो मैक्सिमम ओवरशूट है इसको कम करने के लिए, यू इंक्रीज द डी कंट्रोलर, इट विल रिड्यूस दिस ओवरशूट, ठीक है। तो सिस्टम फास्ट भी हो गया एंड ओवरशूट भी कम हो गए। नाउ देयर इज ओनली वन एरर दैट कैन हैपन इन दिस, वो गया स्टेडी स्टेट एरर। सिस्टम को यहां सेटल होना था बट इट सेटल्ड एट सम डिफरेंट वैल्यू, और वो पी और डी से ठीक नहीं होगा बिकॉज ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में नहीं आता, ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, उसके लिए हम आई यूज करते हैं। व्हेन यू इंक्रीज योर आई तो ये आपका स्टेडी स्टेट एरर कम होगा यूजिंग योर आई कंट्रोलर और टी आई कंट्रोलर। तो तीनों डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं टू इम्प्रूव डिफरेंट थिंग्स, पी एंड डी आर यूज टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट्स एंड योर इंटीग्रल कंट्रोल विच इज यूज टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। आई नॉट शोन यू डेरिवेटिव डेराइवेशन ये कैसे होता है, मैं जैसे आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है इससे, ठीक है। अब आ जाइए आर, वट इज दिस आर कंट्रोल, इसको कहते हैं रिले कंट्रोल। दिस इज अ सिंपलिस्टिक एंड मोस्ट प्रैक्टिकली यूज्ड कंट्रोलर। ये क्या काम करता है, इसको मैटलैब में यू विल सी लाइक दिस। अगर आप जब मैटलैब पढ़ोगे एक ब्लॉक आता है सिमुलिंक में, इसकी का शेप कुछ ऐसा होता है, दिस इज हाउ अ रिले कंट्रोल लुक्स। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज रिले कंट्रोल और हिस्टेरेसिस कंट्रोल। हिस्टेरेसिस कंट्रोल इट्स नोन एज, और एक और नाम है ऑन ऑफ कंट्रोल। ये बस आपके सिग्नल को ऑफ करता है या तो ऑन करता है, और ये आप यूज करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स में, नॉट ओनली दिस यू हैव टू यूज ऑल द फोर, इसलिए मैं आपको चार बता रहा हूँ। तो क्या काम करता है, जस्ट ऑन ऑफ करता है आपकी सप्लाई को डिपेंडिंग कि आपका एरर क्या बनता है, ठीक है। लेट्स से आपका रेफरेंस टेम्परेचर इज 60 डिग्री और आपका जो टी है आप मेजर कर रहे हो यूजिंग ए सेंसर, तो मैंने सेंसर के बारे में नहीं बताया, यू हैव अ सेंसर विच सेंसेस योर टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देता है टू द एरर सिग्नल जो बनती है। आपका रेफरेंस 60 है एंड दिस टी इज वेरिएबल, है ना, ये जो एक्चुअल प्लांट का आउटपुट है और दिस इज सेंस्ड बाय अ सेंसर। तो क्या होगा, आपने आपका जो एम है दैट्स टू मेक दिस टी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो रिले कंट्रोल का क्या काम होगा, कि दिस इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम एंड यू हैव सेट योर रेफरेंस टू 60। तो अगर आपका प्लॉट बढ़ रहा है, दिस इज योर एम्बिएंट टाइम और रूम टेम्परेचर, क्योंकि स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट जो किट होगा इट वॉन्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि पहले कुछ रूम टेम्परेचर होगा जो कि सेंसर सेंस करेगा, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग जो सेंसर रीड करेगा दैट इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर से जब आप सप्लाई दोगे द ओवन विल स्टार्ट टू हीट, यू विल सप्लाई एनी ऑफ द कंट्रोलर, तो जो रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा द रेस्पॉन्स विल स्टार्ट फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू, इसको इनिशियल कंडीशन भी कहते हैं, इनिशियल कंडीशन हियर इज द रूम टेम्परेचर। तो रेस्पॉन्स इंक्रीज होगा once it crosses through 60 degree, what should happen? Ideally, ये होना चाहिए था, it should never have crossed. यहीं पे stop होके 60 पे होना चाहिए था, है ना? That's what we desired initially. लेकिन ऐसा होगा नहीं, because system में कुछ inertia है, that will make it overshoot, ठीक है? तो hysteresis control क्या करेगा? इसमें एक band होता है, which is known as hysteresis band, like this, upper में और lower में, this is your hysteresis band. जब आपका response will touch the highest peak, hysteresis band का अपर पीक है ना, यू हैव सम अपर बैंड एंड सम लोअर बैंड, व्हेन इट टच द अपर बैंड इट विल कट ऑफ द सप्लाई टू द ओवन, बिकॉज इट विल सेंस कि आपका जो ये है आउटपुट रिस्पॉन्स दैट हैज क्रॉस्ड एन अपर बैंड,
सो इट विल कट द रेस्पॉन्स. जब ऑन का रेस्पॉन्स कट हो जाएगा तो देर इज नो हीट सप्लाइड और देर इज नो इनपुट वोल्टेज सप्लाइड, सो इट विल नेचुरली स्टार्ट टू कूल. है ना, नेचुरली थिंग्स टेंड टू क्या होगा, स्टडी स्टेट में आएगा. स्टडी स्टेट है जो कि रूम टेम्परेचर है, तो ये कूल होना शुरू होगा. व्हेन इट विल कूल डाउन, इट विल रीच इट्स लोएस्ट बैंड ऑफ हिस्टेरेसिस. तो जब यहाँ पे आएगा तो अगेन मेक इट ऑन, क्योंकि हिस्टेरेसिस क्या काम कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अगर रेस्पॉन्स मैच हो जाए तो 60, इट्स एफर्ट ये दे रहा है कि 60 से मैच हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली 60 पे मैच नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ बैंड है. सो इट विल वर्क इन दैट बैंड, सो योर रेस्पॉन्स विल वेरी विद इन दिस बैंड. इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस बैंड. अब ये जो बैंड है या तो लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है. ठीक है, जो मैंने यहां पे बनाया this is just like this, this is a जो मैंने डायग्राम बनाया, this is input output characteristics of this hysteresis band, this is input and this is output. If you are input, you are applying some input and this is your band. जब आपका input increase हो गया up to some value, your output shifts to some value. ठीक है, shifts to value. इसके बाद आप कितना भी इनपुट अप्लाई करो, योर आउटपुट विल रिमेन ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन. पहले आपका इनपुट मान लो यहां पे कहीं पे था एंड यू आर इंक्रीजिंग योर इनपुट. जब इनपुट एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आएगा इट जंप्स टू दिस वैल्यू, सॉरी आउटपुट जंप्स टू दिस वैल्यू, सो दिस लाइन इज आउटपुट, दिस लाइन इज इनपुट. एंड नो मैटर हाउ जितना आप इसको बढ़ाओगे योर आउटपुट विल रिमेन ऑन दिस लाइन. अब अगर आप इस इनपुट को कम करोगे, so this will come, this will not follow this own path, it will come to this value, a lower limit of, this is your lower limit, this is your higher limit, and when it clicks on the lower limit it jumps back to another value. aur uske baad aap kitna bhi kam karo it will remain on this path. ye aapne padha hai shayad kahin se, aapko yaad aayega aapne hysteresis ka banaya tha, shape different thi lekin idea similar hai. It doesn't come on this path, तो ये इस जो trajectory है इस पे follow करता है. और ये जो limits हैं, this is your lower limit and the higher limit of your hysteresis band. इन limits पे ही track करता है. When your input goes beyond upper limit, output इस value पे रहेगा. When your input goes below this low limit, आपका output इस value पे रहेगा. ठीक है, and this band depend करता है controller में कितना band है. It can be narrow, it can be wide. ठीक है, तो ये जस्ट ऑन ऑफ कंट्रोलर. ये कंट्रोलर सब देखोगे इन हीटर्स, गीजर्स में होता है, अच्छा एयर कंडीशनर्स में होता है. उसमें क्या होता है, आप एक टेम्परेचर रखते हो. ठीक है, गीजर में एयर कंडीशनर में उसका टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए वो ऑफ हो जाता है ना. जैसे गीजर है तो कट हो जाते हैं, कट हो जाता है बिकॉज ये अपर बैंड में आ चुका है. और जब वापस ये लोअर बैंड में आता है वो फिर से ऑन होता है. तो सिंपली स्विचिंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ. तो R और P में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस R एंड P? P और R में ये डिफरेंस है, दिस इज जस्ट ऑन ऑफ स्विच. ठीक है, और ये ऑन ऑफ कब होगा, दिस डिपेंड्स ऑन द लिमिट्स ऑफ योर हिस्टेरेसिस. P इज प्रोपोर्शनल टू एरर, ये ऑफ नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑफ होगा डिपेंडिंग अपॉन गेन ऑफ दिस. दिस इज नॉट ऑन ऑफ. P को हम ऐसे बनाते हैं, अगर ये R का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, P का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज इनपुट आउटपुट, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इसमें उसमें डिफरेंस समझ में आ रही है. इट्स अ शार्प राइज हियर बट दिस इज वैरिंग. अब यहाँ पे इंफिनिटी पर नहीं जा सकते, देयरफॉर देयर इज सैचुरेशन. इसमें भी लिमिट होता है कि आप कितना P गेन बढ़ा सकते हो. यू कैनॉट इंक्रीज इंफिनिटी, आप इंफिनिटी गेन नहीं रख सकते. दैट्स फर्स्ट थिंग, सैचुरेट बोथ इन द लोअर लिमिट एंड इन द अपर लिमिट. ठीक है, तो ये थ्योरी है, जितना भी आपको चाहिए. पी आई डी एंड दिस हिस्टेरेसिस कंट्रोल. अभी तक कोई क्वेश्चन कि हाउ दिस कंट्रोलर वर्क्स? हाँ, मैंने डेराइवेशन नहीं दिखाई, मैंने कोई एग्जाम्पल से नहीं समझाया, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि इनका क्या इफेक्ट आएगा रेस्पॉन्स पर. अभी तक कोई क्वेश्चन है इसमें? अब आप एक टेबल बनाओ. अब हम आते हैं सेटअप की टेबल पे. अच्छा, मैंने आपको जो प्लॉट दिखाया ना अभी आउटपुट रेस्पॉन्स का, टेम्परेचर वर्सेस टाइम,
क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल सिस्टम, दिस विल नॉट फॉलो जस्ट लाइक इन द लास्ट टाइम देखा, दैट विल राइज लाइक दिस. दिस इज अ एम्बिएंट टेम्परेचर एंड दिस विल बी अ फाइनल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सैचुरेट हो जाएगा. द कर्व विल लुक लाइक दिस जब आप प्रैक्टिकली करोगे. लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं दिस, है ना, जो आरसी सर्किट वी कंसिडर कि ये शार्पली राइज हो गया, बट हियर सी अ डिफरेंस है, यहाँ पर देयर इज अ लैग हियर, है ना. तो हमने मॉडल जब किया इसका, हम जो ट्रांसफर फंक्शन बनाई, दैट्स फर्स्ट ऑर्डर टाइप जीरो, उसका रेस्पॉन्स ऐसा नहीं आता, उसका रेस्पॉन्स ऐसा आता है जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था. फर्स्ट ऑर्डर टाइप जीरो का रेस्पॉन्स ऐसा आएगा, लेकिन हमने जो ट्रांसफर फंक्शन डिराइव की, जब एक्सपेरिमेंटली करोगे आपका रेस्पॉन्स ऐसा आएगा. तो द ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, वो इसकी रिप्रेजेंटेशन सही है. तो दिस इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर टाइप जीरो सिस्टम, क्योंकि इसमें एक लैग हो रहा है, सिस्टम इज लैगिंग. हाँ, यहां से आप कह सकते हो कि सही है, यहां से लीनियरली राइज होकर स्टडी सेट में आ रहा है, मगर ये जो चीज है इसके लिए कुछ और अकाउंट करना है हमें. तो इसकी यूजुअली जो हम प्रैक्टिकल सिस्टम में डिले कहते हैं या लैग ब्लॉक कहते हैं, उसके ट्रांसफर फंक्शन होती है टू द पावर माइनस एस सी. दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लैग ब्लॉक. लैग ब्लॉक को ऐसे मॉडल करते हैं, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एस सी, ठीक है. एंड और जो मैंने से पहले ट्रांसफर फंक्शन दिखाई थी, दैट्स फॉर दिस. तो जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आएगी आपकी ओन की, दैट विल बी सम ऑफ दीज टू. मैं बताता हूं अभी, इसको टी वन ले लो, इट इज पावर माइनस एस टी वन. अनदर ट्रांसफर फंक्शन जो मैंने दिखाई थी वो क्या था, दैट वाज उसमें टी टू है, चेक करता हूँ. हाँ, और जो मैंने इससे पहले दिखाई थी, दैट वाज आर अपॉन 1 प्लस एस सी आर, है ना, या स्कोप के अपॉन 1 प्लस एस टी टू से रिप्रेजेंट करो. तो फर्स्ट ऑर्डर टाइप जीरो. सो जो अननोन सिस्टम में टी वन टी टू एंड के, टी वन टी टू एंड के, अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, यू कैन राइट द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द होल लोअर. ये चीज क्यों आई, बिकॉज ऑफ दिस लैग टर्म, जो कि सिस्टम में लैग है. इसको मॉडल करने के लिए हमें डिले ब्लॉक को इंक्लूड करना पड़ा, अदरवाइज अननोन वर्क के एन टी जैसे अपने लास्ट में निकाले थे. तो जब पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल मे बी आपको ओवन का दिखाता हूं डेमोन्स्ट्रेशन. उसमें आप जो ओवन है उसको आप हीट करोगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने कैसे सिखाया ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, सप्लाई सम इनपुट एंड यू मेजर द आउटपुट. तो उसको आप एक हीट करोगे ओपन लूप में, कोई कंट्रोल नहीं एक्ट कर रहा है. उसको आप सीधे किसी रेफरेंस टेम्परेचर तक पहुंचाओगे, सपोज टी रेफरेंस, टी रेफरेंस इज हियर, इसको किसी टी रेफरेंस तक हम पहुंचाएंगे एंड इट विल सैचुरेट ऑन इट्स ओन, क्योंकि हम सिस्टम को कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर लेटिंग इट हीट. तो ये हीट होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट. तो इस ये प्लॉट अभी तक आप ऑसिलोस्कोप पे देख रहे थे, है ना, अभी तक पिछले एक्सपेरिमेंट में. यहाँ पे ये प्लॉट आप विद हैंड ड्रा करोगे, क्योंकि व्हाट यू विल डू, जब आप इसको हीट करोगे, यू विल टेक रीडिंग्स एवरी 10 seconds. हर 10 seconds के बाद यू विल नोट व्हाट्स द एक्चुअल टेम्परेचर यूजिंग अ सेंसर. सेंसर आपको बताएगा व्हाट्स द टेम्परेचर. So every 10 seconds, you will make a table, time and the temperature. So you will take readings at 10, 20, 30, like so on. Okay, every 10 seconds, you will take a reading. Pahla temperature kya hoga? First temperature will be the ambient temperature, jo ki abhi room mein hai. And you will just record the values. Okay, ya tab tak karte jaoge, जब तक ये सैचुरेट ना हो जाए किसी वैल्यू पे, ठीक है. तो ये जब आप कलेक्ट करोगे, यू विल ड्रॉ दिस प्लॉट यूजिंग हैंड. तो जब ये प्लॉट आपके पास आएगा, यू विल गेट अ प्लॉट सिमिलर टू दिस. इसमें एक पार्ट है जहां पर सिस्टम लीनियरली बिहेव करता है ना, हर एक कर्व किसी हाफ में लीनियरली बिहेव करती है. तो आप क्या करोगे, लाइक दिस,
ही विल ड्रॉ टेंजेंट टू दिस लीनियर पाथ. ठीक है, तो ये कहीं पे करेगा कट ऑन द टाइम एक्सिस यहाँ पे, है ना. एंड दिस लाइन विल कट समवेयर ऑन द स्टेडी स्टेट एक्सिस ऑल्सो, है ना. दो इंटरसेप्ट बनेंगे ना इस लाइन से, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक स्टेडी स्टेट वैल्यू की लाइन पे जो ये टी रेफरेंस की लाइन है. सो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये जो है ये आपका टी टू एंड दिस इज योर टी वन. दिस इज हाउ यू विल इवैल्यूएट. ठीक है, एंड टी टू इज व्हाट, टी टू इज द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन के बाय वन प्लस एस टी टू, जो कि एक्सपोनेंशियल राइज होने की वजह से जो ना एक्सपोनेंशियल जो राइज हो रहा है उसमें जो टाइम कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है दैट्स बिकॉज ऑफ दिस टी टू. और जो टी वन है दैट्स बिकॉज ऑफ द डिले ब्लॉक. लास्ट एक्सपेरिमेंट में देर वॉज नो डिले इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं थी. यहाँ पे आपको दोनों कॉन्स्टेंट निकालने हैं टी वन एंड टी टू यूजिंग दिस ब्लॉक. अब बचा के, ये हो गया, ये हो गया, बचा के. के कैसे देखा था हमने लास्ट टाइम, यहाँ पे जो के होगा दैट विल बी योर टी रेफरेंस. टी रेफरेंस बताओ या टी स्टेडी स्टेट बताओ, है ना, एक ही बात है. टी रेफरेंस माइनस योर एम्बिएंट टेम्परेचर, है ना, ये जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. दिस इज योर के. ओके, चेक करो वन सेकंड, एक सेकंड, आई विल टेल यू कहां से आता है. नहीं, जो आप डेल्टा टेम्परेचर नहीं, यही है डेल्टा टेम्परेचर, है ना. दिस इज योर डेल्टा टी, दिस नॉट डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज. होता क्या है, व्हेन यू सेट सम टेम्परेचर टू द ओवन, ओवन के अंदर एक वोल्टेज जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, कोई कॉइल एनर्जाइज होगी, कोई सी कॉइल में कोई वोल्टेज करंट डेवलप होगा और बिकॉज ऑफ दैट करंट हीट विल जनरेट. तो जब आप टेम्परेचर सेट करते हो देयर इज अनदर ब्लॉक हियर जिसको हम यूजुअली ड्राइवर कहते हैं विच डज द जॉब. आप यहाँ पर एक रेफरेंस सेट करते हो, ड्राइवर का क्या काम है, दैट कन्वर्ट्स योर टेम्परेचर टू सम डिजायर्ड वोल्टेज फॉर द ओन. ठीक है, वो वोल्टेज से कॉइल एनर्जाइज होती है और आपको एक आउटपुट रेस्पॉन्स पर टाइम मिलता है. ठीक है, अच्छा एक चीज बस मिसिंग है इसमें, एंड यू विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, दैट इज सेंसर जो कि सेंस करेगा इस टेम्परेचर को. इट ओपन लूप में है ना, दिस इज योर ओपन लूप. ये वाला जो मैंने दिखाया दिस इज जस्ट एन ओपन लूप. यू सेट सम टेम्परेचर, ड्राइवर विल अप्लाई सम वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू योर रेफरेंस एंड देन विल स्टार्ट हीटिंग. मैंने अभी दिखाया था आपको एक सेंसर यहाँ पे और जिसकी वजह से ये फीडबैक हो जाता है. सेंसर्स कैन बी, काफी सेंसर है हीट टेम्परेचर पे. वन इज योर थर्मिस्टर, थर्मिस्टर इज अ सेंसर. अच्छा, इसके अलावा जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है एक, उसकी रेजिस्टेंस वैरी होती है टेम्परेचर. आई विल टेल यू कौन सा सेंसर है. हाँ, थर्मोकपल, यस, थर्मोकपल इज अनदर सेंसर. ये सेंसर से मेजर टेम्परेचर प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं और हर सेंसर की एक सेंसिटिविटी होती है. तो जो हमारे किट में सेंसर है उसकी जो सेंसिटिविटी है दैट्स 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. और ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये फैक्टर आप लास्ट में मल्टीप्लाई करने वाले हो. इसका ये मीनिंग हुआ इफ इट सेंसेस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ दिस सेंसर सेंसेस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल प्रोड्यूस अ वोल्टेज इक्वल टू 10 मिलीवोल्ट. क्योंकि सेंसर क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अनदर फॉर्म. सो दिस सेंसर कन्वर्ट्स टेम्परेचर इनटू अ वोल्टेज. ठीक है, और यही वोल्टेज आएगी बेसिकली अंदर, क्योंकि जो आपके पी रेफरेंस लोगे ना, पी रेफरेंस है ये आपने लिया 60 डिग्री, तो यूजर जो यूज करेगा ही विल जस्ट सी दिस रेफरेंस एंड ही विल जस्ट सी द आउटपुट रेफरेंस. लेकिन इंटरनली सर्किट में वोल्टेज मल्टीप्लाई होती है, इंटरनली सर्किट में दिस 60 विल बी कन्वर्टेड इन सम वोल्टेज एंड दैट वोल्टेज विल बी चेक्ड अगेंस्ट दिस वोल्टेज. ठीक है, इंटरनली वोल्टेज होती है लेकिन जो एंड यूजर है दैट सीज द टेम्परेचर. कोई कन्वर्जन हो रहा है ना कहीं पे टेम्परेचर का वोल्टेज में एंड दैट.
तो ये ड्राइवर कर रहा है टेम्परेचर टू वोल्टेज एंड दिस सेंसर कन्वर्ट्स वो बैक डिग्री सेंटीग्रेड टू मिलीवोल्ट. ठीक है, तो जो मैंने आपको के दिखाया था डिनोमिनेटर में क्या है इनपुट वोल्टेज, तो यू शुड नो दिस इनपुट वोल्टेज टी एफ एन टी ए, तो प्लॉट से आ जाएगा टी एफ एन टी ए. सो दिस इनपुट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए जो हम जिससे हम ओवन को हीट कर रहे हैं. अगर इफ दिस इज 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड यू आर टेकिंग इट 60 या 50 ले लो, देन हाउ मच वोल्टेज आर एक्चुअली गिविंग. एक सेकेंड, 10 मिली वोल्ट और 1 मिली वोल्ट, इसका जो सेंसिटिविटी है इट्स 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, तो इनपुट वोल्टेज विल बी दिस टाइम दिस इनपुट वोल्टेज, इनपुट व्हाट यू आर फीडिंग इन द ओन, दैट विल बी दिस एक्चुअली सेंसिटिविटी जो भी सेंसर की है टाइम्स द योर रेफरेंस. So 50 times 10, 500 millivolts will be your input voltage. So first experiment is finding the transfer function of the ohm. ये चार्ट बनाना है आपको, ये प्लॉट आएगा, प्लॉट पे ये लाइन डालनी है, this is the tangent to this curve. वहां से T1 का इंटरसेप्ट और T2 का इंटरसेप्ट आएगा एंड K आएगा using displacement. And you will say कि transfer function क्या है उनके. Once you have the transfer function, then step experiment number 2, which is to control the temperature. तो उसके लिए चार controllers हैं, जैसे मैंने कहा PID and hysteresis. इस experiment में थोड़ा time लगता है, क्यों? जैसे last time हमने दिया था एक step voltage, यहाँ पे हम एक step नहीं दे पाते हैं, क्योंकि oven में जो rise होगा temperature will take some time to rise. इसीलिए जो delay block हमने model किया है, abruptly rise नहीं होगा, तो यहाँ पे हम एक step input नहीं दे पाएंगे. You cannot give a step of 50 degree. अब 0 से 50 डिग्री का स्टेप नहीं देख सकते, क्योंकि टेम्परेचर में फास्ट राइज नहीं होगा इन अ बॉडी, है ना. जब किसी चीज को हीट करोगे उसका टेम्परेचर तो फिर राइज नहीं ना होगा, फ्रॉम 0 टू 50 शिफ्ट होगा, इट विल राइज. तो यहाँ पर हम एक डिलेड स्टेप दे रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है सिस्टम में. दैट्स व्हाई दिस विल टेक सम टाइम, एंड वंस दिस इज कंप्लीटेड जब आपको कंट्रोल पर आना होगा सेकंड एक्सपेरिमेंट में, यू हैव टू अगेन स्टार्ट विद इनिशियल टेम्परेचर. तो आपको फिर कूल करना है और कूलिंग में भी टाइम लगेगा डेफिनेटली, और दोनों टाइम कॉन्स्टेंट डिफरेंट होंगे, हीटिंग का टाइम कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट, कूलिंग का टाइम कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट. तो आप पहला एक्सपेरिमेंट करोगे अंटिल इट सैचुरेट्स, सैचुरेट हो गया यू विल लेट द ओवन टू कूल. जितनी देर कूल हो रहा है उतनी देर आप ये वैल्यूज निकालोगे के T1 एंड T2, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में यू विल जस्ट कंट्रोल. एक्सपेरिमेंट समझ में आया, थ्योरी समझ में आई, ट्रांसफर फंक्शन कैसे लाए हमने, कंट्रोलर क्या करते हैं काम, ठीक है. सो विल डू द एक्सपेरिमेंट. ये टेबल आप तैयार रखो, दिस टेबल. सो दिस इज योर सेटअप, ठीक है. जो मैंने कहा वो फिजिकली ऐसा दिखता है. दिस पार्ट इज योर ओन, ये जो है ना दिस पार्ट, इसमें एक सप्लाई वायर जाती है एंड इसके अंदर एक कॉइल है, उस कॉइल को सप्लाई आ जाएगी एंड दैट कॉइल विल हीट, ठीक है. और इस कॉइल के अंदर ही एक सेंसर बैठा है. बेसिकली जो कॉइल है, कॉइल के सेंटर पे एक सेंसर है जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर सेंस करेगा और इसी वायर से इंफॉर्मेशन वापस जाएगी, ठीक है. अच्छा, एक और चीज, इसके बॉटम पे एक फैन है इन ऑर्डर टू कूल इट. एक होती है नेचुरल कूलिंग, दूसरी होगी फोर्स्ड कूलिंग, है ना. तो दिस इज फॉर फोर्स्ड कूलिंग, ताकि आपको एब्रप्टली टेम्परेचर से कम करो ताकि टाइम ना जाए, ठीक है. अब आप देखो इस ब्लॉक डायग्राम को. मैंने कहा था ना लास्ट टाइम हर किट पे एक ब्लॉक डायग्राम होती है. तो इसको ब्लर मत कीजिए. अच्छा, एक ब्लॉक डायग्राम है, स्टार्ट यहां से करना है, है ना. क्या है रेफरेंस, देन रेफरेंस के बाद चार डिविजन्स हो रहा है. दिस इज प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव एंड रिले कंट्रोल, ठीक है, डिनोटेड बाय PID एंड R, ठीक है. देन यहाँ पे कनेक्शंस हैं जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है, तो लॉजिकली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यहाँ पे कनेक्शन करने पड़ेंगे और कौन सा कंट्रोलर देना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कनेक्शन देना है, ठीक है. आगे चलो, देन देयर इज अ ड्राइवर. इस ड्राइवर का क्या काम, मैंने कहा काम है नहीं नहीं फ्लैग नहीं देता, ये फ्लैग तो सिस्टम में ऑलरेडी है. हाँ, इट कन्वर्ट्स आवर, जो भी हम टेम्परेचर यहाँ पे सेट करेंगे इट कन्वर्ट्स, क्योंकि टेम्परेचर कैसे हम देंगे इन टू द सिस्टम प्रैक्टिकली, विद सम वोल्टेज. कॉइल को वोल्टेज मिलेगी, एक करंट फ्लो होगी, कॉइल उस करंट के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगी.
अब कितनी करंट जाएगी या कितनी वोल्टेज जाएगी, दैट इज द जॉब ऑफ द ड्राइवर। और ये कितनी वोल्टेज भेजेगा डिपेंड करता है हमने कितना रेफरेंस सेट किया है, ठीक है। तो ड्राइवर प्रोपोर्शनल बनाएगा एक वोल्टेज फॉर द कॉइल, और ये जो ब्लॉक है डैश में, दिस इज योर ओन ब्लॉक या प्लांट तो कहते हैं, और यहाँ पर जो प्लांट है एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द सिस्टम, ये इंटरनली नहीं एक्सटर्नली कनेक्टेड है। तो वो वोल्टेज आएगी टू द कॉइल, कॉइल हीट होगी, द सेंसर विल सेंस द टेम्परेचर, और यहाँ से कहाँ है फीडबैक, हाँ यहाँ से फीडबैक जा रहा है ना, दिस इज सेंसर गेन, कुछ गेन हो सकता है सेंसर का, यहाँ पे फीडबैक टर्मिनल्स आर ओपन, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट को कनेक्ट कर सकते हो विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक, एंड दिस टेम्परेचर जो कि सेंस होगा थ्रू द सेंसर वो वापस फीड होगा एंड द लूप इज क्लोज, ठीक है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या है, ये मैंने कहा था जो पी आई डी है ये वेरिएबल गेन्स होते हैं, और वो नॉब्स आपके पास इधर है, दिस इज फॉर पी, दिस इज फॉर आई, दिस इज फॉर डी, मैंने कहा ना कि अपने अपने गेन्स होते हैं। तो ये गेन्स यहाँ पर है, इसमें जो मार्किंग लिखी है फ्रॉम जीरो टू वन, that doesn't mean KP is 0 to 1. That means this potentiometer ka lowest value and highest value. KP jo hai, that varies from 0 to 20. So this value is 0, this value is 20. KP is the proportional gain. But the potentiometer is just 0 to 1. Aap imaan lo, this one is 100%. Potentiometer 100% and let's say volume likhte hai hum. We write volume. Lekin internally wo kuch aur term hoti hai. Hai na? So internally it's KP. And that value changes from 0 to 20. But externally it shows 0 to 1. Similar is for I. I ka value hai from 0 to something 0.3. And derivative ka bhi value vary hota hai from 0 to 20. But yahan pe 0 to 1 dikhaya gaya hai. Hysteresis ke liye koi gain nahi hota hai. Hysteresis just a switch. Uske liye yahan pe ek switch diya gaya hai. High and low. So maine kaha na jo band hota hai hysteresis ka. That can be narrow, that can be wide. To usko narrow rakhna hai ki wide karna hai. You have this switch. ठीक है, आगे बढ़ो, यू हैव दिस पोटेंशियोमीटर अनदर वन, और उसके कॉरस्पोंडिंग स्विच है, और यू हैव दिस इज व्हाट को डीवीएम कहते हैं, डिजिटल वोल्टमीटर है ना, दिस इज इनबिल्ट वोल्टमीटर। तो इससे आप अपना रेफरेंस सेट करोगे, दिस रेफरेंस जो रेफरेंस टेम्परेचर है, यू कैन सेट इट यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और इस डीवीएम पर आप दो चीजें देख सकते हो, यू कैन सी व्हाट यू आर सेटिंग हियर बाय सिलेक्टिंग दिस सेट। If this switch is on set, तो आप ये जो value दिखाएगा that's equal to this value. If you're setting it to major, then this will show the temperature of this. ठीक है, this is your reference, this is your actual. ठीक है, इसका मैंने कहा था एक होता है जो हम रखते हैं, दूसरा है actual output. This is your actual output, this is your desired output. आप दोनों को toggle करके देख सकते हैं on the same multimeter. ठीक है, यहाँ पर टाइमर है, मैंने कहा ना आपको हर 10 सेकंड्स के बाद रीडिंग लेनी है, तो टाइमर चाहिए जो बताए 10 सेकंड्स कब हो रहे हैं। जिस टाइमर में आप जब जब 10 सेकंड्स होंगे यू विल टेक ए रीडिंग, ठीक है। और क्या है, और लास्ट में दो चीजें हैं, दिस इज यहाँ पे पॉज है एंड रन है। इफ यू प्रेस दिस टॉगल टू रन, तो इससे यह होगा कि ओन पे स्टार्ट हो जाएगा, जो भी सप्लाई है ना यहाँ से वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ यू सेट इट टू पॉज, तो हीटिंग स्टॉप हो जाएगी, ताकि आप मैनुअली इसको ऑन ऑफ करो, ताकि आप मैनुअली स्टॉप करो हीटिंग इसके लिए। और इसके अलावा एक और स्विच है, ये लास्ट का स्विच हैज थ्री टर्मिनल, लेफ्ट वैल्यू इज कूल, इफ यू सेट दिस टू कूल द फैन विल स्टार्ट, और ये इसको मैनुअली कूल करना शुरू करेगा। इफ यू सेट दिस टू ऑफ, दिस इज सिमिलर टू कीपिंग दिस टू पॉज, ठीक है, कोई सप्लाई अंदर नहीं डालेगा। एंड इफ यू सेट दिस टू हीट, दिस विल स्टार्ट हीटिंग, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। पहले एक्सपेरिमेंट में हमेशा ट्रांसफर फंक्शन पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे काम, बिफोर कीपिंग दिस ऑन वी विल मेक श्योर कि ऑन इज ऑफ, दैट्स इन पॉज। एंड अगर हम ऑन भी करेंगे किट को, ऑन पे कोई सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि दिस इज इन पॉज। तो इसको हम ऑन करते हैं, इसको ऑफ रखते हैं, यानी कि कोई सप्लाई यहाँ नहीं जाएगी, इसको सप्लाई मिल रही है, ठीक है, इसको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। And we will measure the ambient temperature right now. So sensor कितना दिखा रहा है? 27.7. So this is the table का पहला value होगा, the ambient value. अब table बनाओ, first column is the time, second column is the temperature, ठीक है। तो
जो फर्स्ट रीडिंग होगी दैट इज टाइम जीरो, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे टाइम को, और टेम्परेचर इज, अभी हमने कुछ नहीं किया, कोई हीटिंग नहीं दी। अब ट्रांसफर फंक्शन कैसे पता चलेगी, यू हैव टू क्लोज सम सर्किटरी ताकि इसमें वोल्टेज आए, तो एक वोल्टेज एक्सेस करेंगे। सो विल कनेक्ट दिस पी ब्लॉक, पी क्या है, गेन है ना, मैंने कहा पी जैसे गेन, वी विल कनेक्ट दिस पी टू दिस, इससे क्या होगा, ये पास शॉर्ट हो गया, मतलब दिस पी इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज और बाकी अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, और पी का जो गेन है वी विल कीप इट इन द हाफ 0.5 ऑफ द रीडिंग, अब 0.5 नहीं है, अब केपी इज 10, केपी इज 10 बट द वैल्यू जो मैं नॉब ले रहा हूँ जो मैंने लिखा एट 0.5, ठीक है, तो ठीक है। अब हम इस ओवन को हीट करेंगे टू सम डिजायर्ड टेम्परेचर, ठीक है, तो फॉर दैट वी विल गो टू सेट, तो यहाँ पे मैं अपना डिजायर टेम्परेचर रख सकता हूँ, ठीक है, हम लेंगे डिजायर टेम्परेचर लेट्स से 60, तो 60 तक हीट करते हैं, ठीक है, हाँ टी रेफरेंस इज योर 60, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन या जो हम करते हैं दैट्स यूजुअली इन ओपन लूप, वी एक्साइट द सिस्टम एंड वी वेट, हम देखते हैं कि डायनेमिक्स कैसे इवॉल्व होते हैं, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस, हम इसको हीट करेंगे अप टू दिस, करंटली इट्स एट 0.4, टाइमर तो स्टॉप है, अच्छा ओवन को हम ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे एक एलईडी है विच शोज यू कि अभी हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रीन एलईडी जब जल रही थी ना, दिस शोज यू कि ओवन हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, द स्टेटस ऑफ ओवन कैसे पता चलेगा, तो आप हाथ रख के टेम्परेचर सेंस कर सकते हो, विच इज नॉट गुड, इसलिए यहाँ पे एलईडी है ना, एलईडी शोज कि ऑन, नाउ विल स्टार्ट, इसको हम रन करेंगे एंड ऑन, तो टाइमर देख रहे हो, टाइमर स्टार्ट हो गया है, 7, 8, 9, 10, दिस इज योर रीडिंग 29.9, ऐसे ही हर 10 सेकेंड्स के बाद यू जस्ट नोट डाउन दिस वैल्यू, 1.5, ये टेबल को आपको फिल करना है, लेते जाओ, कोई एक डिक्टेट करेगा, कोई एक, तब नहीं फिर पता नहीं चलता है, आप बताओगे क्या वैल्यू है, हाँ वही सब लिखेंगे, टेबल जो है लंबा है, कीप दैट इन माइंड, टेबल काफी लंबा होगा, मैं काफी वैल्यू लेने हैं, शाबाश, आपको टाइम भी नोट लिखना है साथ साथ, खाली वैल्यू नहीं लिखना है, वैल्यू क्या करना, टाइम भी लिखना है, फॉर 110 सेकंड्स 60.1, अब ले लो 120 सेकंड पे, इट हैज क्रॉस्ड द डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ 60, है ना, कहां तक जाएगा, कॉपी है,
ब्रह्म हम कहते हैं, वो क्या चीज से कहते हैं? कॉपियां कम क्यों है भाई? लैब रिपोर्ट चार ही रखी हैं, तो बाकी कहाँ है? ले लो पहले रीडिंग ले लो। आप ले रहे हो रीडिंग कहाँ से? आपको फील हो रहा है सैचुरेट हो रहा है? उतना नहीं बढ़ रहा है जितना पहले बढ़ रहा था।
500 तक ले लो, 500 सेकंड तक, के बाद ये 500 सेकंड पे लास्ट रीडिंग ले लो. ठीक है, इस वैल्यू पे हम विल जस्ट ओन को ऑफ करते हैं या बेटर है तो नेचुरली कूल होने दे. आप जरा वैल्यूज दिखाओ कोई एक. हाँ, अब बाकी लोग अपने वैल्यूज देखो. देखो 29.5 पे आपने स्टार्ट किया है ना, टाइम को भी रिसेट करते हैं हम. ठीक है, तो 29.5 से स्टार्ट हो गया है तो 2 डिग्री कभी 3 डिग्री ही बढ़ा है ना, 29.6 कोई बात नहीं. तो अब देखो काफी फास्ट साइज हुआ है स्टार्ट में अप टू 60 के बाद 3-5 डिग्रीज भी अब्रप्टली चेंज हुआ है अप टू व्हाट, इसके बाद 87 के बाद ये है. फिर जब आपका 105, 107 इसके बाद अब स्लोली 17 के बाद तो हो रहा है ना सैचुरेट. अब इतना फास्ट राइज नहीं होगा. जब आप उसको प्लॉट करोगे यू विल फील 90 के बाद आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी. व्हेन यू प्लॉट इट ऑन स्केल, जरा उसको प्लॉट करो, प्लॉट दिस वैल्यू. इस एक्सपेरिमेंट में ऑस्टोस्कोप पर कोई यूज नहीं था, है ना, क्योंकि जैसे फिजिकल सिस्टम और उसमें हम कोई, मैंने कहा ना ऑस्टोस्कोप तब यूज होगा व्हेन वी गिव सम पीरियोडिक इनपुट. इसमें हम कोई पीरियोडिक इनपुट नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे. तो क्या करेंगे इफ आई एम हैंग कंट्रोल करना पड़े रिले से, इफ आई विल यूज रिले कंट्रोल क्या करना पड़ेगा या ऑन ऑफ कंट्रोल. हाँ, पहले बना पी प्रोपोर्शनल कंट्रोल की अब जरूरत नहीं है, नहीं ना, एक केपी ऑफ 10 हम दे रहे थे अभी तक. वी विल जस्ट यूज व्हाट, रिले कंट्रोल. और जो ड्राइवर की 3 इनपुट्स हैं, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द इनपुट. ठीक है, तो मैंने एक, ये आप ही बताओगे. मैंने अभी तक क्या किया, मैंने खाली रिले कंट्रोल किया कनेक्ट. आपको लगता है कंट्रोल होगा इफ आई जस्ट यूज इट, क्योंकि अभी ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन वापस नहीं आ रही है, कोई एरर क्रिएट नहीं हो रहा है. ये तब होगा व्हेन वी क्लोज द पाथ ऑफ फीडबैक. यानी कि अब क्या होगा, ये करने से क्या हुआ, अब जो भी टेम्परेचर है, वट एवर इज द टेम्परेचर, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60. अभी कितना ये 60, जो भी टेम्परेचर आएगा इंक्लूडिंग दिस एम्बियंट. देखो अभी क्या है, अभी का एरर क्या है, 60 - 30, तो एरर बन गया ना 30 डिग्रीज का एरर पहले ही होगा. तो उसी 30 के हिसाब से ओवन विल हीट, कब तक, जब तक कि 60 को टच ना करे. लेकिन ये ध्यान रखना, दिस इज अ हिस्टेरेसिस बैंड, इसमें एक बैंड होंगे, 60 का ऊपर भी बैंड होगा, 60 के नीचे भी बैंड होगा. व्हेन टेम्परेचर विल रीच टू द अपर बैंड, ओवन शुड ऑटोमेटिकली ऑफ. यहाँ पे तो हमने मैन्युअली किया था, अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ओवन की हीटिंग स्टॉप हो जाएगी. जब स्टॉप हो जाएगी इट विल कूल नेचुरली, फैन ऑन नहीं होगा, नेचुरली कूल डाउन हो जाएगा. एंड व्हेन इट विल रीच टू लोअर बैंड, ओवन फिर से स्टार्ट हो जाएगा. अब हिस्टेरेसिस के मैंने कहा 2 बैंड है, हाई एंड लो. तो हम लेंगे फर्स्ट रीडिंग फॉर हाई. आप मेंशन करो टेबल, जस्ट राइट ऑन ऑफ कंट्रोल या रिले कंट्रोल. इसमें भी सिमिलर टेबल बनेगा, सिमिलर एक्सरसाइज करनी है. जस्ट मेक अनदर टेबल, टेबल के हेडिंग पे लिखो ऑन ऑफ कंट्रोल और बैंड में लिखो लो, नहीं पहले हाई पे लेंगे, हाई वैल्यू ऑफ हिस्टेरेसिस या हाई बैंड ऑफ हिस्टेरेसिस. केस वन इज हाई बैंड, हेडिंग इज रिले कंट्रोल, फर्स्ट केस इज हाई बैंड, मेक ए टेबल. तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट करना है, अभी टेम्परेचर है 30, पहला टेबल की पहली रीडिंग ले लो, टाइम 0, टेम्परेचर 30.3 एग्जैक्टली. इस बार आप बस एक्स्ट्रा एक चीज करोगे, जो टेबल बनेगा आप तो ले रहे हो रीडिंग 10 सेकंड्स के बाद, आप यू विल जस्ट नोट दिस एलईडी कहाँ गया, ये अभी जो ऑन करेंगे एलईडी ग्लो हो जाएगा, जिस वैल्यू पर ये ऑफ हो जाएगा, एलईडी ऑफ हो जाएगा यानी कि कट हो गया. You will, जो भी रीडिंग होगी रीडिंग के ब्रैकेट में यू विल मेंशन ऑफ, यानी कि इस रीडिंग पर ऑफ हुआ था, और लेते जाओगे फिर से ऑन होगा, जिस वैल्यू पे ऑन होगा ब्रैकेट में यू विल मेंशन ऑन,
इससे याद रहेगा वो किस वाली पे ऑफ हुआ था, किस वाली पे ऑन हुआ था। तो रेफरेंस एक बार देखते हैं, रेफरेंस 60, हम एक काम करते हैं 50 ले देंगे, इसको वेट नहीं करने पड़ेंगे 60 तक होने में, हम रेफरेंस को कम कर सकते हैं। लेट्स से आवर डिजायर्ड वैल्यू इज 50, दिस इज अ डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है, हम चाहते हैं 50 पे ही स्टॉप हो जाए। मेजर पे जाएंगे, पहली रीडिंग इज 30.3, हिस्टेरिसिस हाई, ये कनेक्टेड है, और फीडबैक इज शॉर्टेड। तो टाइमर सेटेड है, उनको ऑन करेंगे एंड टाइमर को भी ऑन करेंगे। पहली रीडिंग आपने ले ली है, नेक्स्ट ले लो 10 सेकंड्स पे, लेते जाओ, एंड कीप एन आई ऑन द एलईडी। एक्सपेक्टेड है कि एलईडी ऑफ होगा आफ्टर द आफ्टर 50, एक्सपेक्टेड है 50 के बाद ही ऑफ होगा, इससे पहले तो ऑफ नहीं होगा। एक बोलो कोई एक बोलो, उससे बाकी में कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, 50 हैज क्रॉस्ड, इट हैज क्रॉस्ड आवर डिजायर्ड वैल्यू, जस्ट सी कि व्हाट हैपेंड। 10 के बाद लेते जा वैल्यू, इट्स ऑलरेडी ऑन। इसका रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक द रीडिंग 120, 63.5, आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट रीडिंग लेते रहो। टेक 130, टेक एट 130 पे ले लो 64.3, आप 140 पे ले लो, 140 पे ले लो 64.7, सप्लाई कट हो गई है तो ये ऑफ होना शुरू होगा, सॉरी कूल डाउन हो जाएगा। अब उनको कोई सप्लाई नहीं जा रही है ना, तब क्या होगा, इट विल कूल डाउन खुद से, बट इट विल टेक टाइम, दिस इज नेचुरल कूलिंग। आपने ले लो रीडिंग, आप भी ले लो रीडिंग, तो फिर आप कब लोगे, आप इनसे ले लोगे फिर, चलो ठीक है, तब भी अपने अच्छा, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप ये प्लॉट करो तब तक, है ना, इसने आपको वैल्यू दे दी, आप इसको प्लॉट करके दे दो रफली क्रूडली। अभी तक जो वैल्यूज आ गए जस्ट का रफ प्लॉट बनाओ, फिर एग्जैक्ट प्लॉट आप घर में बना सकते हो, अभी आप रफ प्लॉट बनाओ।
It's again approaching our desired response. 50. Hmm. 49.8. Now it's expected ki on the bound hoga. है ना, और उस वैल्यू को पे आप मेंशन करोगे क्योंकि आप डिजायर्ड वैल्यू की कम है, तो हिस्टेरिसिस विल टेक एक्शन एट सम पॉइंट. अभी भी ऑन नहीं हुआ. अभी भी ऑन नहीं हुआ. हाई कितना गया था? 64, 14 डिग्री ज्यादा है. इसमें भी 14 डिग्री कम करके ही हो जाएगा ऑब्वियसली. कंट्रोलर हैज एक्टेड, बट इट्स अ बैड कंट्रोलर है ना, प्रीटी बैड कंट्रोलर. काफी इसमें, अगर ऐसा एक एसी हम डिजाइन करें जिसमें रिले कंट्रोल होगा और मैं रखूंगा 50 डिग्रीज, तो देखो कितनी वेरिएशन देगा ये. इसको हम ठीक करेंगे. थोड़ा आगे जाओ, आपको बस एक पीक मिल गया अभी तक. एटलीस्ट अभी ऑफ होगा, फिर और ऑन होगा, तब फिर स्टॉप करोगे. Thank you.
अभी जब ऑन होगा अब देन यू विल स्टॉप, क्योंकि अभी रिपीट होगा इसके बाद ऑन होगा, दिस द लास्ट ट्रेडिंग, इसके बाद वही अप डाउन होता रहेगा कंटिन्यूअसली बिकॉज इतने फीडबैक. साइज होने का टाइम कॉन्स्टेंट डिफरेंट है, कूल होने का टाइम कॉन्स्टेंट टोटली डिफरेंट है, कूल ज्यादा स्लो है. ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट है, इट टेक्स टाइम पर सिस्टम में लाया गया. स्लो काफी आहिस्ता हो रहा है कूल डाउन. कहां पर हुआ था लास्ट टाइम ऑफ हो रहा है अप्रोच, इट्स अप्रोचिंग 49. कोई प्लॉट कर रहा है, घुमा दिया. अच्छा एटलीस्ट आप रेडी रहो ना, जस्ट एक्सीज रखो, आप देखो कि कितना जाना है और क्रूडली पॉइंट्स डालो. हाँ ठीक है, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अच्छा जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं ये तो ले लो, जो अभी के वाई फाइल वैल्यूज है ये ले लो. It's about to get on.
इट्स अबाउट अबाउट ऑन होगा एंड दैट्स द लास्ट रीडिंग 41.3 एंड दैट्स लास्ट. इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, रादर इसको कूल कर रहे हैं, टाइम को स्टॉप करेंगे. 40 डिग्रीज, ठीक है. एम्बियंट टेम्परेचर से राइज होगा व्हेन इट रीच्स दिस अपर बैंड ऑफ हिस्टेरेसिस. बैंड्स भी आप बना सकते हो कि किन दो बैंड्स में ऑसिलेट हो गया. सी, अब जो क्वेश्चन आ गया है, देखो क्या हुआ है. दिस इज योर डिजायर टेम्परेचर, ठीक है. ऑन स्टार्ट हो गया फ्रॉम एम्बियंट टेम्परेचर, राइज होते 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 इट ओवरशूट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स 50. लेकिन इसके बाद भी कंट्रोलर ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसने एक्शन कब लिया? व्हेन इट क्रॉस द अपर बैंड. अब ये रीजन है, जब आपने देखा होगा एलईडी ऑफ हुआ, इसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ गया. इसका क्या रीजन हो सकता है? सप्लाई कट हो गई तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? कैसे? न्यूटन सेकंड, न्यूटन कैसे आगे बीच में? हाँ कुछ इंट्यूशन तो है इसमें. क्या ऐसा होगा कि हम सप्लाई कट करेंगे और वहीं पर टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा? नहीं ना होगा. टेम्परेचर राइज हो रहा है इन द स्पेस, आप सप्लाई कट कर रही हो, वहीं पे स्टॉप नहीं होगा, कुछ और टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पे फिर स्टॉप होगा. प्रैक्टिकल सिस्टम वैसा ही होता है ना. तो इसीलिए कहीं पे कट जो होगा वो इस पॉइंट के नीचे कट हुआ होगा, लेकिन टेम्परेचर तो भी आगे गया. और ये वाला पॉइंट जो है, ये वो पॉइंट है जहां पे इसके बाद अब वैल्यू नहीं गया. सिमिलर हैपेंड फॉर दिस. तो दिस इज द बैंड जिसके बीच में आपका रिस्पॉन्स वैरी होता जाएगा, है ना. तो दिस इज नॉट अ गुड कंट्रोलर. अगर आपका ये एसी है या हीटिंग इंडक्शन मोटर है जिसमें आप चाहते हो डिजायर टेम्परेचर 50 हो, इट्स ऑसिलेटिंग, कितना डिफरेंस है, 10-10 का बैंड है, तो ये कैसे इंप्रूव होगा? हाँ, इसको बैंड अप कम कर सकते हो. मेक ए टेबल, केस टू, हिस्टेरेसिस लो. इसमें आपको थोड़ा तेज रहना है क्योंकि स्विचिंग मे बी मोर फ्रीक्वेंट. हिस्टेरेसिस मैंने बस स्विच को लो किया है, पहली रीडिंग लिखो 28.2 टाइम जीरो, 28.2 एट टाइम जीरो, और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं. तो पहली रीडिंग ले लो आप 10 सेकेंड्स, जो कि है 28.9 एंड आवर रेफरेंस इज 50. वैसे लास्ट का एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट कंट्रोलर्स हम देखेंगे नेक्स्ट लैब में. यू विल सी व्हाट द इफेक्ट ऑफ लो बैंड. लो लिया ना हमने, once it crosses 50, you have to be very alert. 50 के बाद last time 60 पे off हुआ था, यहाँ पे 60 पे कम off होगा. So keep an eye, LED कब off होगा after 50 and mention that off. हो गया? Mention that value. Mention, अब mention करते जाओ, अभी फिर से on off होता जाएगा. Mention करते जाओ, अभी on हो जाएगा. एंड वो वैल्यू आप नोट करोगे. अगेन स्लो जो है, ये जो कूलिंग है दैट स्लो है ना, वाइल इज राइजिंग वाज फास्ट.
it will cool down naturally और फिर ऑन होगा. वन नाइन्टी पे ले लो, 190 पे है 54.3, अब 200 पे ले लो, 200 पे है 53.7, अब 210 पे ले लो, 1.7 240 पे ले लो एंड बी रेडी. एलईडी पे फोकस रखो, एलईडी माइट टर्न ऑन व्हेन इट गोज बिलो 50. एग्जैक्टली 50 पे तो मेंशन करो और ये अब ऑफ भी जल्दी होगा. इट विल टर्न ऑफ नाउ क्विकली, हो गया 50 पे ही ऑफ हो गया. अब मेंशन करो फिर से ऑन होगा. 10 सेकंड्स का भी ध्यान में रखो, एलईडी पे भी ध्यान रखो. कीप एन आई अभी ऑन कब होगा. एंड मेंशन दोस वैल्यू. अब नोट करो ऑफ कब होगा. हाँ अब ले लो फिर हाल. अब 350 तक ले लो, बस 350 टाइम पे स्टॉप कर लो. 350 सेकंड्स तक ले लो एंड ऑन ऑफ जो है पर्टिकुलरली मेंशन करो कहाँ पे ऑन है. थ्री थर्टी पे ले लो एंड ऑफ होने वाला है एंड इट्स ऑफ. 50 पे ऑफ एंड नेक्स्ट ले लो 340 पे भी 50 ही है. अब लास्ट रीडिंग 350 पे आएगी एंड मे बी इट मे ऑन. हाँ 350 एंड दैट्स ऑन एंड दे विल स्टॉप द एक्सपेरिमेंट. नाउ टेल मी कि क्या डिफरेंस लगा आपको. बैंड कम करने से क्या हुआ. जो बैंड था ना आपको जब व्हेन यू प्लॉट दिस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा लेकिन होना चाहिए. इट विल राइज देन अराउंड योर रेफरेंस इट विल बी ऑसिलेटिंग वेरी क्लोज टू योर रेफरेंस. सो दिस इज अ गुड कंट्रोलर. पिछले में ऑसिलेशन में 10 डिग्रीज की डिफरेंस थी. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अ हिस्टेरेसिस कंट्रोल. अब विच इज अ गुड कंट्रोलर इफ आई आस्क यू. लो बैंड इज गुड और हाई बैंड इज गुड. देखो दोनों की एडवांटेज है दोनों की डिसएडवांटेज है. इफ यू हैव अ हिस्टेरेसिस बैंड टू हाई क्या प्रॉब्लम है. इट्स अ वेरी बैड कंट्रोल है ना. हमारे सेट पॉइंट से काफी डिविएशन आ रही है एंड फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन इट मे बी कॉस्टली और हार्मफुल. व्हाट द डिसएडवांटेज हियर और एडवांटेज. एडवांटेज ये है कि इट्स वेरी क्लोज टू द रेफरेंस डिजायर्ड. बट देयर इज अ डिसएडवांटेज. इट्स वेरी फ्रीक्वेंट स्विचिंग है ना. तो इन द लॉन्ग रन इफ इट्स अ मैकेनिकल स्विच और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा अप डाउन तो ये वेयर एंड टेयर इट मे हैपन इन द स्विच. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है और काफी फास्ट स्विचिंग है, ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसमें किस तरह से बैंड काफी लो है और उसमें काफी फास्ट हो रहा है तो आपको काफी फास्ट पल्सेस क्रिएट करनी है टू मेक दिस फ्रीक्वेंट स्विचिंग. तो कंट्रोलर क्या काम करते हैं. कंट्रोल डिजाइनर दे डिजाइन सच काइंड ऑफ हिस्टेरेसिस कंट्रोल जिसमें दोनों के एडवांटेज लिया जा सके.
डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन. अब यहाँ पे ओवन है तो ओवन के लिए ये कंट्रोलर ठीक है. अगर आप एक एसी डिजाइन कर रहे हो उसके लिए ये वाला कंट्रोलर ठीक है क्योंकि आपका जो फाइनल टेम्परेचर है दैट्स अराउंड 50. और यही यूज करते भी हैं कन्वेंशनल एसी. कन्वेंशनल एसी में देखोगे एक हिस्टेरेसिस कंट्रोल होता है पर वो यही करता रहता है काम. अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये हो सकती थी, आपने जब देखा जब राइज तो हो रहा था बल्कि जब कूल हो रहा था इट वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम क्योंकि वो नेचुरल कूलिंग थी. अब यहाँ पे एक सजेशन हम ये दे सकते हैं कि इफ जब भी कट हो जाता है इंस्टेड ऑफ नेचुरल कूलिंग लेट सपोज अ फैन टर्न ऑन कब जब भी कट हो जाएगा ताकि ये क्विकली ड्रॉप हो जाए और जब ये लो वैल्यू पे आ जाएगा फैन ऑफ होगा एंड सप्लाई विल स्टार्ट दैट विल मेक इट मोर रोबस्ट है ना. लेकिन यहाँ पे वो हम मैन्युअली कर रहे हैं बट इफ हैड इट बीन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल तो फैन ऑन होगा एंड वो ऑफ होगा जो कि चीजें होता है क्योंकि कंप्रेसर्स होते हैं वहां पे दे अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ होते हैं एज पर द डिजायर टेम्परेचर. तो आज एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा. नेक्स्ट टाइम वी विल यूज पी पी आई एंड ऑल ऑफ देम पी आई डी. ठीक है.